हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? देखो, मेरा नाम है अमन और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अब तक तो आपको ये पता लग गया होगा। हमने पिछले लेक्चर्स में हेलो अल्किन्स और हेलो अरिन्स को स्टार्ट करा था और हमने इनकी SN1 की रिएक्शन देखी थी। उससे पहले लेक्चर में हमने SN2 देखा था। हमने क्या पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था उसको मैं एक बार बताता हूँ आपको, थोड़ा सा ब्रीफली, फिर हम अगले स्टेप की ओर आएंगे, है ना? SN1 के बारे में हम और ज्यादा इस लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने क्या देखा था कि SN1 जो होता है हमारा, वो एक टू स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें पहला स्टेप क्या होता है, कार्बोकटायन का जनरेशन। क्या होता है? कार्बोकटायन का जनरेशन। अब पहले स्टेप में यदि कार्बोकटायन आपका जनरेट हो गया तो सेकेंड स्टेप में क्या बचा? न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करना, है ना? न्यूक्लियोफाइल अपना रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड में RCl है, ठीक है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, हेलो अल्केन्स है, इसको मैंने न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करवा दिया। तो यहाँ पर क्या चीजें होंगी? सबसे पहले चीज हमारे पास Cl, जो कि एक लिविंग ग्रुप है, वो बाहर जाएगा अपना। यदि लिविंग ग्रुप अपना बाहर जाएगा तो हमारा क्या होगा? एक कार्बोकटायन जनरेट होगा। तो ये दो स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें से पहला स्टेप क्या है? जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? कार्बोकटायन का जनरेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बोकटायन जो कि sp2 बन जाएगा ना, और ये sp3 था जब लिविंग ग्रुप गया, तो ये sp2 बन गया। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे sp3। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने पहला स्टेप बोला जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन और मैंने सेकेंड स्टेप क्या बोला? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जब कार्बोकटायन जनरेट हो गया, फिर न्यूक्लियोफाइल अपना अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कितने तरीके से अटैक कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल दो तरीके से अटैक कर सकता है, एक तो फ्रंट साइड से और दूसरा बैक साइड से, है ना? न्यूक्लियोफाइल अपना कितने तरीके से अटैक कर सकता है? दो तरीके से, एक तो फ्रंट साइड से अटैक करेगा और एक बैक साइड से अटैक करेगा। यदि फ्रंट साइड से अटैक करेगा दैट इज कॉल्ड रिटेंशन, और यदि बैक साइड से अटैक करेगा दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। और यदि 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन हो जाए दैट इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन, है ना? अंडरस्टैंड व्हाट इज रेसिमाइजेशन? व्हेन 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन टेक्स प्लेस, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। समझ में आ गया? तो इनके बारे में हमने SN1 के कुछ फीचर्स देखे थे। सबसे पहला ये दो स्टेप का प्रोसेस है, इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस। देखो यहाँ पर ये दो स्टेप प्रोसेस है ना, पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप। उसके बाद हमने क्या देखा था? रेसिमाइजेशन अकर्स। जैसे कि यहाँ पर देखो आप, क्या रेसिमाइजेशन हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बिकॉज 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन टेक्स प्लेस। उसके बाद हमने देखा था कि SN1 की जो रेट है वो केवल अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगी, RCl पे करेगी, है ना? ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा कि मेरे पास यदि RCl है और न्यूक्लियोफाइल है, है ना, तो रेट जो है न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती, केवल और केवल RCl पे करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा था मैंने? रेट जो है केवल RCl पे डिपेंड करेगी, है ना? तो क्या मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ दोस्तों कि रेट जो है न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगी? यहाँ पे मैंने जीरो डाल दिया, नहीं करेगी ना, बात तो वही हो गई, वन हो गया ना, एवरीथिंग टू द पावर वन। ठीक है, रेट केवल किस पे डिपेंड करेगी? RCl पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ये भी मैंने आपको समझाया था कि RCl यानी कि रेट जो है दो स्टेप में इन्वॉल्व होती है यदि रिएक्शन, तो जब से जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड सबसे स्लोवेस्ट स्टेप जो है मेरा, दैट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना? यहाँ पर जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है, दैट मीन्स ये एक RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, है ना? ये मैंने आपको सिखाया था कि जब रिएक्शन के अंदर जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। जैसे कि यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें एक 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 मारुति की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सपोज मानो मानो मारुति की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मनेश्वर में है, मान लो सपोज करो कि है कि मारुति के प्लांट्स हैं, तो मारुति के प्लांट्स में अलग अलग हॉल में या अलग अलग हॉल में अलग अलग चीजें बन रही है। एक हॉल में अपना बॉडी पार्ट्स बन रहा है, दूसरे हॉल में इंजन बन रहे हैं, तीसरे हॉल में सस्पेंशन वाले पार्ट्स बन रहे हैं, और चौथे हॉल में दूसरी चीजें बन रही है। ठीक है, इन सबको बनने के बाद ये असेंबली लाइन में आएगी और असेंबल्ड हो जाएगी चीजें। क्या चीजें समझ में आई? तो मैं ये आपसे ये बोल रहा हूँ कि पहले हॉल में बॉडी पार्ट्स बना, दूसरे हॉल में इंजन बना, तीसरे हॉल में सस्पेंशन बना, और चौथे हॉल में क्या बना? दूसरी चीजें बनी। ये चौथा हॉल होगा ना, तो क्या फर्क पड़ता है?
क्या है हॉल फोर, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे कि यदि सारे हॉल में अलग अलग चीजें हो रही हैं, तो सपोज करो कि बॉडी पार्ट्स बन के आ गए, सस्पेंशन वाले पार्ट्स बन के आ गए और दूसरी चीजें बन के आ गई, इंजन अभी तक नहीं बना है, सबसे स्लो स्टेप है, तो जब ये सब बन जाएगा तभी तो असेंबल्ड होके मारुति की कार बनेगी। तो एक बात बताओ, यदि इंजन का बनना सबसे स्लो हो रहा है तो किस रेट से मारुति की व्हीकल मैन्युफैक्चर होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? इंजन के मैन्युफैक्चरिंग पे बिल्कुल करेगा सर। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि इंजन की मैन्युफैक्चरिंग होना ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, जो कि सबसे स्लो स्टेप होता है। समझ में आया? तो इस रिएक्शन में भी आप क्या देखने वाले हो, इस रिएक्शन के अंदर सिंस पहला स्टेप सबसे स्लो स्टेप है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है? जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन। तो जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ में आई चीजें? क्लियर है? ऑल्सो ऑर्डर, ये सिंस ये मॉलिकुलरिटी इनकी वन है और केवल एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है ना, और मैंने क्या बोला, इसका जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वही आपका रेट को डिटरमाइन करता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो इसमें आपको समझने वाली बात है, कि आपको यदि SN1 की रेट पता करनी है, कलर कलर व्हिच कलर, दिस कलर और दैट कलर, कलर का गेम है भाई, ये कलर, ये हो गया ये कलर, सिक्स पार्ट। अब एक बात मेरे को बताओ आप, यदि मैं सिक्स पार्ट में आपका ये लिखूं, है ना, सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट में मैं क्या लिखने वाला हूं, सिक्स पार्ट में मैं ये लिखने वाला हूं कि सपोज करो कि आपके पास रिएक्शंस हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई रिएक्शंस की रेट जो है वो पहले स्टेप पे डिपेंड करती है। यहाँ तक क्लियर है? यानी जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन जो है वो मेन है हमारा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इसका क्या मतलब है सर? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आपने क्या बोल दिया, यानी कि कार्बोकेटायन कितना स्टेबल है उस पर डिपेंड करेगा। इस बात को ऐसे सोचो कि भाई RCL था, जिसमें CL क्या है, घर पे पापा, मान लो पापा है आपके, तो पापा आपके यदि बाहर जा रहे हैं घर से, तो क्या सोच के जाएंगे कि मेरे जाने के बाद आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, है ना, अच्छे से घर में सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए, है ना। तो दैट मीन्स कि CL जब बाहर जाएगा तो कार्बोकेटायन जो जनरेट होगा वो यदि ज्यादा स्टेबल होगा तो CL जल्दी बाहर जाएगा, और CL जल्दी बाहर जाएगा तो रिएक्शन भी जल्दी होगी ना, रिएक्शन भी फास्ट होगी ना। तो रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड कर रही है? C प्लस की, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल बनेगा तो CL को बाहर जाने से, तो CL जल्दी बाहर जाएगा ना, तो इसकी स्टेबिलिटी पे क्या डिपेंड करेगा? रेट ऑफ द रिएक्शन। समझ में आई? तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन यानी सी प्लस का जनरेशन, है ना। तो आप एक बात बताओ कि मान लो मैंने आपको ये बोला कि मान लो मेरे पास कोई कार्बोकेटायन है, मुझे रेट बतानी है, ठीक है, तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे? ठीक है, सपोज करो, समझो इस चीज को, सपोज करो कि मेरे पास ये कार्बन है और इस कार्बन पे तीन तीन CH3 अटैच है ना, और इस कार्बन पे दो CH3 अटैच है, ठीक है, और इस कार्बन पे एक ही CH3 अटैच है। मैं आपको बोल रहा हूं कि कौन सा फास्टर SN1, सॉरी हाँ, SN1 की रिएक्टिविटी किसकी फास्टर होगी। तो आप एक पहले बात बताओ कि यदि मैं सबका केवल पहला स्टेप लिखूं, यदि मैं सबका केवल पहला स्टेप लिखता हूँ, इसका भी पहला स्टेप लिखूंगा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पहले स्टेप में ये बनाएगा, ठीक है, और ये पहले स्टेप में क्या बनाएगा, ऐसा कुछ कंपाउंड बनाएगा, और ये पहले स्टेप में क्या बनाएगा, कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। समझ में आया? पहले स्टेप के बाद सारे अपना, अब देखो मैंने क्या बोला कि स्टेबिलिटी ऑफ SN1 किस पे डिपेंड करता है, कार्बो, सॉरी,
वेट ऑफ SN1 किस पे डिपेंड करता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। तो यदि ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है ना, तो इसका मतलब इन तीनों में जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वही SN1 की रिएक्शन फास्टर होगा। तो अब एक बात मेरे को बताओ, समझने वाली बात है, यहां पर यदि ये कार्बोकेटाइन है मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, CH3 जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये इसको डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा, यानी ये C+ को, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो एक CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, इसमें दो दो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसमें एक ही CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, समझो मेरी बात। यदि CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और C+ का मतलब है कार्बोकेटायन, कैटायन का मतलब है इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है नहीं, तीन ही बॉन्ड बने इसके, 1, 2, 3, कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसका मतलब इसका यदि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, कि इसके इसको स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तीन तीन है, CH3 CH3 CH3, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दो ही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक ही है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो C+ की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो C+ की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पर सबसे कम होगी। क्या आपको चमका, ये चीजें चमक गई कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी कम है, ये किस पर डिपेंड करेगा, कार्बोकेटायन कौन ज्यादा स्टेबल है ये रिएक्टिविटी को डिटरमाइन करेगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद ये समझ में आया, तो कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला हो जाएगा रेट, यदि मेरे से क्वेश्चन पूछे रेट ऑफ, फाइंड द रेट ऑफ SN1। अब कई जगह ना ये लिखा होता है कि भाई SN1 जब भी दिखे तो आप लिख दो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। भाई बिल्कुल सही बात है, बट क्या आप अपने बच्चों को ये बताओगे कि आखिर ये आया कहां से, आखिर ये आया कहां से। ये तो बिल्कुल सही बात है, होता ही ऐसा है, बट ये आया कहां से, आपको ये मैंने अभी सिखाया, ये कहां से आया। यदि 3 डिग्री है तो ज्यादा CH3 ग्रुप अटैच है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यदि CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ज्यादा CH3 अटैच है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, तो कार्बोकेटायन जिसको कि इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें दो ही है, थोड़ा कम है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसमें सबसे कम होगा। तो इसलिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्या आपको चीजें समझ में आई, कैसा स्टेबिलिटी आप चेक करते हैं इसकी। तो यहां पर आप लिख सकते हो चाहो तो 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, बट आई बिलीव आपको समझना ज्यादा जरूरी है रदर देन कि आप चीजों को ऐसे ही लिखते हो, ठीक है। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है, अभी तक मैंने जो भी चीजें आपको सिखाई हैं कि रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेसिमाइजेशन होगा, 2-स्टेप प्रोसेस है, कार्बोकेटायन का जनरेशन जो है वो RDS स्टेप होता है ना, ठीक है, और ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, और रेट जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करता है, दैट इज 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक है। या इसमें और छोटा करूं, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, चलो, क्योंकि मैं एक साथ ही लिख देना चाहता हूँ चीजें, ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रही चीजें, ठीक। अब देखो यदि मैं यहां पर ये बोलता हूं पॉइंट नंबर सेवन में मैं बोल रहा हूं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है SN1 को, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1, इसका मतलब क्या है, चलो समझते हैं। मैं एक एक चीज समझाने वाला हूं आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने क्या बोला था, कोई भी सॉल्वेंट जो है
वो दो टाइप का होगा, या तो वो पोलर सॉल्वेंट होगा है ना, या फिर वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। ये मैंने कल आपको लेक्चर में समझाया था। पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो बिटवीन द सेम एटम होते हैं, वो सेम एलिमेंट के बीच में होते हैं। और ये क्या होते हैं, सॉरी, नॉन पोलर सेम में होते हैं और पोलर आपके डिफरेंट एलिमेंट में होते हैं। क्या आपको चीज समझ में आई? पोलर और नॉन पोलर दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं। पोलर आपका डिफरेंट एलिमेंट में है और नॉन पोलर सेम एलिमेंट में है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, ClCl इज अ नॉन पोलर एंड HCl इज अ पोलर। समझ में आया? ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, यदि मैंने पोलर सॉल्वेंट लिया है तो पोलर सॉल्वेंट भी दो टाइप के होंगे। पोलर सॉल्वेंट आपके दो टाइप के होंगे, पोलर सॉल्वेंट दो टाइप के होंगे। एक तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और दूसरा, दूसरा मेरे दोस्तों, दूसरा जो है पोलर एप्रोटिक होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। तो एक सॉल्वेंट तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और दूसरा सॉल्वेंट मेरा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है ये समझो आप। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक्चुअली कुछ है नहीं, सिंपल सी चीज है। अब मैं कलर कौन सा यूज करूं, कौन सा कलर यूज नहीं हुआ, ये वाला। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन एटम जो है इज डायरेक्टली अटैच टू द, कल बताया था मैंने या पिछले क्लास में, डायरेक्टली अटैच्ड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ताकि एच प्लस आपका निकल सके। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मेरे पास H2O है, मेरे पास HF है, ठीक है, मेरे पास एसिटिक एसिड है, एक्सेट्रा। यहां पर आप क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन एटम क्या है, डायरेक्टली अटैच है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ या नाइट्रोजन NH3 ले लो, है ना। एप्रोटिक तो मैंने कल बात की थी इसके बारे में। एप्रोटिक क्या होता है? एप्रोटिक कुछ नहीं होता, हाइड्रोजन एटम जो है वो नहीं अटैच होगा डायरेक्टली फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन ले लो, एसीटोन, एसीटोन आपका कुछ ऐसा होता है, दिस इज एसीटोन। क्या आपको चीजें समझ में आई? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होती है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होती है, क्लियर है? ठीक है, तो आपने प्रोटिक सॉल्वेंट एप्रोटिक सॉल्वेंट समझ गए। आपने एप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में ये देखा कि ये SN2 को फेवर करता है, कल मैंने सिखाया था आपको, या सॉरी पिछले लेक्चर में सिखाया था। अब हम बात करेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो SN1 को फेवर करता है और क्यों करता है, ये समझो। तो देखो, मान लो कि मेरे पास रिएक्शंस SN1 की होनी है, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं इसमें, इसके अंदर मैं अब एक न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूं CN-, उसको मैं डाल रहा हूं H2O के अंदर, ठीक है, CN- in H2O, where CN- is a nucleophile, CN- is a nucleophile, this one is nucleophile and this one is solvent, है ना। nucleophile कौन है? CN- और solvent कौन है अपना? H2O। तो CN- को मैंने डाल रहा हूं H2O के अंदर। तो देखो क्या होगा कि आप इस बात को ऐसे सोचो कि CN- हमारा क्या है, एक nucleophile है, ठीक है। तो होता क्या है इसके पास कि मान लीजिए यहां पर यदि ये मेरा CN- है, तो CN- को H2O का ये वाला पार्ट, ये मेरा H2O है, ये वाला मेरा क्या H2O है ना, ये मेरा क्या है H2O के, मैंने ऐसे लिखा, कई सारे H2O के मॉलिक्यूल होंगे ना, सॉल्वेंट है वो, तो ठीक है, ये मेरा H2O था। तो यदि मेरा CN मेरा न्यूक्लियोफाइल था, तो CN- को क्या करेगा, इसका H2O का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है यानी कि H+ वाला पार्ट है, वो
सीएन माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी, मैं फिर भी बोल रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी, देखो ठीक है, सीएन माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब यदि क्या कर रहा है, सीएन माइनस को एच प्लस अपने आप में सॉल्वेट कर रहा है, सॉल्वेट कर रहा है। सोचो ना, सीएन माइनस को अटैक करना था, सीएन माइनस को न्यूक्लियोफाइल है अटैक करना था, बट यहाँ पर एच प्लस उसको क्या कर रहा है, खुद के साथ अटैक कर रहा है, खुद के साथ अटैक कर रहा है, एच प्लस सीएन माइनस को सॉल्वेट कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दैट इज एच प्लस यहाँ पे है, वो क्या करेगा, सीएन माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो क्या दोस्तों मैं यहाँ बोल सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट सॉल्वेट द न्यूक्लियोफाइल एंड हेंस डिक्रीजेस इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी कि पावर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी, हेंस इट फेवर्स फेवर्स एसएन वन। ये भी बात अब तक बच्चों को ये क्लियर नहीं हुई होगी कि सर न्यूक्लियोफाइल का यदि स्ट्रेंथ कम हो गया तो एसएन वन को क्या फायदा है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, ये भी तो समझना पड़ेगा। सर आप बोल रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ आप कम करोगे, बट यदि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ को आप कम कर रहे हो तो एसएन वन का क्या फायदा है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये फायदा है कि हमने SN1 की रिएक्टिविटी में देखा था कि जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायनिस RDS मतलब रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल RCl पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान देना रेट केवल RCl पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर रेट केवल RCl पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं कर रहा। मतलब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो या वीक हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक बात बताओ, जब न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो यदि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ को हम लोअर कर दें तो ये SN2 तो हो नहीं सकता, उसको तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, ये क्या होना पड़ेगा, SN1 ही होना पड़ेगा। तो क्या होगा, आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी स्ट्रेंथ यदि कम होगी तो वो SN1 को फेवर करेगा, क्यों करेगा आपको अभी बताया, बिकॉज इसकी रेट जो है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं करती। तो रेट यदि न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगी तो न्यूक्लियोफाइल की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगा, है ना, समझ में आया। तो यानी कि SN1 जो है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, यदि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ को आप लोअर कर दो तो वो क्या हो जाएगी, SN1 हो जाएगी। कई बच्चे ये सोचेंगे कि सर आप कह रहे हो कि SN1 जो है न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता तो रेट को हाई करो लो करो क्या फर्क पड़ता है। अरे मेरे बच्चों यदि लो रेट को आप हाई करोगे तो हाई करने से तो वो SN2 बन जाएगा और लो करोगे तो SN1 बन जाएगा, बिकॉज ये तो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं करता। तो मतलब यदि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN2 होगा और वीकर न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN1 होगा। तो बिकॉज ऑफ SN पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है और SN1 को फेवर करता है, ठीक है। तो यहां से दो चीजें निकल के आ रही है, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जेई वाले बच्चों के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफाइल यदि स्ट्रॉन्ग है तो वो SN2 देगा, और न्यूक्लियोफाइल यदि वीक है तो वो SN1 देगा, ठीक है, समझ में आ गई चीजें। तो हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 ये भी सीख लिया कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है SN1 को फेवर करता है। रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन जो है वो हमारा RDS है, रेट ऑफ SN1 जो है RCl और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है, रेसिमाइजेशन होती है और ये टू स्टेप प्रोसेस है। क्या आपको सारी चीजें समझ में आ गई, क्या मैंने सब चीजें आपको समझा दी हैं, है ना। एक और लिखवा देता हूँ आपका मन है तो, पॉइंट नंबर 8, थोड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कलर कौन सा चूज करो, पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखोगे,
वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्ड SN1 वो भी बोल सकते हो आप, है ना। अच्छा, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके केस में भी SN1 के केस में भी लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा। याद करो मैंने ये चीज आपको लिखवाई थी कि लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा। इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है सर कि मान लीजिए कि मेरे पास कंपाउंड सेम दे रखा है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी CH3 है, यहाँ पर इन्होंने Cl दे दिया और यहाँ पर इन्होंने क्या करा, CH3 सारा ना 3 डिग्री ही बना दिया और यहाँ पर इसने I दे दिया, है ना। ठीक है, अब है तो तीनों सेम डिग्री के क्वेश्चंस, तो कैसे करोगे? तो आप लिविंग ग्रुप देखोगे, सीएल को देखोगे और आई को देखोगे। याद करो मैंने आपको ये दिखाया था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में जो साइज होता है वो सबसे बड़ा किसका होता है? आयोडीन का होता है। तो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से अपने पर रख सकता है, जल्दी लीव कर सकता है आई माइनस, तो लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप इसमें ज्यादा होगी। तो यदि ए ये है और बी ये है तो हमारा SN1 की रेट किस पे डिपेंड करेगा, ज्यादा किस पे होगा? बी का देन ए का, बिकॉज आई माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, आई माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, साइज बड़ा होता है तो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से अपने ऊपर डिस्पर्स करके रख सकता है। क्या चीजें समझ में आ गई आपकी? क्लियर है यहां तक? सारी चीजें क्लियर है क्या? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना। तो हमने क्या देखा कि ये टू स्टेप प्रोसेस है, इसमें रेसिमाइजेशन होती है, ये SN1 जो है वो RCl न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन है हमारा RDS होता है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, रेट ऑफ SN1 जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है SN1 को और लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज के लेक्चर में ये देखा है, हमने SN1 जो है पूरा कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया, क्या होता है, क्यों होता है और किस लिए होता है। सॉल्वेंट के बारे में भी मैंने आपको बताया कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है ना। उसके बाद हमने SN1 बताया कि क्यों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इसको सॉल्वेट कर रहा है। अब वाटर का मॉलिक्यूल यदि सॉल्वेट करेगा तो इसका मतलब क्या करेगा, वो आयंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा और ये किसको फेवर करेगा फिर, SN। समझ में आया? कोई डाउट है? तो ये चीजें हमने यहाँ पर सीखी है कि ये उसके बाद SN1 को फेवर करेगा, है ना। उसके बाद हमने ये सीखा कि न्यूक्लियोफाइल यदि स्ट्रांग हो तो SN2 और न्यूक्लियोफाइल यदि वीक हो तो SN1, है ना। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन भी देखा हमने कि हमारे पास RCl है और हमें बताना है कि किसकी रेट ज्यादा होगी, तो हम ये देखने वाले हैं कि SN1 मेरे किसका फास्टर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि आपको सब समझ में आ रहा है? तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि हम कैसे SN1 और SN2 के रेट को डिटरमाइन कर, SN1 की रेट को डिटरमाइन करते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, 7 या 8 फीचर्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं और आपको समझा भी दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो SN1 और SN2 के बारे में और पढ़ेंगे कि हम SN1 SN2 को कंपेयर कैसे करते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो SN1 SN2 से होता ही है, इसलिए मैं आपको ज्यादा लंबा ये लेक्चर लेके चलता हूँ। ठीक है, समझ में आया? अब इसके रेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कुछ, है ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में मिलने के बाद हम इसके और भी प्रोसेस के बारे में जानेंगे और फिर हम प्रिपरेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।